मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जब अभिकारक असमान हो तब उसके मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक की या अवकल वेग समीकरण या समाकलन वेग समीकरण निकालना। इसके लिए हम एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रही है और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिकारक ए व बी अलग अलग है, डिफरेंट हैं। माना टी बराबर जीरो पर अभिकारक ए के ए मोल पर लीटर तथा बी अभिकारक बी की सांद्रता बी मोल पर लीटर है। किसी समय टी बराबर टी पर या किसी समय टी पर अभिकारक ए के एक्स मोल तथा अभिकारक बी के एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शंस होगी जैसे पहले करते आए हम, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू या समानुपाती होगी अभिकारक ए की सांद्रता तथा अभिकारक बी की सांद्रता के गुणनफल के बराबर। तो डी एक्स अपॉन डी टी या अभिक्रिया का वेग होगा इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, जहाँ के टू एक स्थिरांक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। डी एक्स अपॉन डी टी अभिक्रिया का वेग है, अभी ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है एक्स उत्पाद में की सांद्रता, इसी तरह बी अभिकारक बी की सांद्रता है। तो इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, यही आपका अवकल वेग समीकरण कहलाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब चूंकि इस समीकरण को हम डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू डी टी के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण 2 का समाकलन करने पर आप समाकलन करेंगे डी एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टू डी टी के रूप में, इधर भी आप समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए। अब इस वाले पद का समाकलन करने से पहले सरलीकरण कर लिया जाता है, तो इसके लिए हम आंशिक भिन्न का की सहायता लेंगे। आंशिक भिन्न में हम जानते हैं वन अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को इस रूप में लिख सकते हैं, एक्चुअल में वन अपॉन ए माइनस बी और वन अपॉन बी माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ही होता है। चाहे तो आप सरल करके देख लीजिए, अगर मैं ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स यहाँ लेता हूँ तो आपका यहाँ आएगा ए माइनस एक्स, यहाँ आएगा बी माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस बी। अब इसको वन अपॉन ए माइनस बी, अब ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से एक्स कट जाएगा, बच जाएगा वो ए माइनस बी ऊपर, इसको इससे काटो तो आपके नीचे वन अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ही रह जाएगा। तो इस वाले पद को हम इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मान आप समीकरण इसमें रख देने पर वन अपॉन ए माइनस एक्स वन अपॉन बी माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स, इसकी जगह हमने ये रख दिए डी एक्स के टू डी टी। अब चूंकि ये एक स्थिरांक है, इसको बाहर रख सकते हो या दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ आप इसको समाकलन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वन अपॉन ए माइनस बी वन अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स वन अपॉन ए माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई किया समाकलन स्थिरांक वन अपॉन ए माइनस एक्स के टू डी टी। अब इसका समाकलन आप कर सकते हो क्योंकि एल वन अपॉन एक्स का समाकलन होता है ln x, ठीक है, तो वन अपॉन बी माइनस एक्स का समाकलन होगा ln b माइनस एक्स। आपका जो माइनस एक्स है इसकी वजह से यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस एक्स का माइनस वन होगा इस समाकलन। इसी तरह वन अपॉन ए माइनस एक्स का ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, और k2 dt का क्या होगा समाकलन हिस्सा t प्लस c। इसका सरलीकरण कर लीजिए, वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, बाहर रह जाएगा वापस, यहाँ ln b माइनस एक्स आएगा, माइनस में होगा,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स होगा। इसको हम आगे लिख लेते हैं सुविधा के लिए, एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस सी। इसका सरलीकरण हम जानते हैं, एल एन एम माइनस एल एन एन का फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एल एन एम माइनस एल एन को लिख सकते हैं एल एन एम अपॉन एन, इसलिए हम वन अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक इक्वल टू के टू टी प्लस सी इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे समीकरण तीन क्या था आपका, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टू सी प्लस सी इक्वल टू। अब इसमें हम कंडीशन रखेंगे प्रारंभ में, क्योंकि प्रारंभ में हम जानते हैं टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो है, मान रखने पर आप देखो ये वाला पद जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा। तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी के टू मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो ये पद हो जाएगा जीरो, और सी तो सी का मान आपका आएगा सी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। समीकरण चार का मान समीकरण तीन में रखने पर, ये मान आप समीकरण तीन में रखिए, वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टू टी वन अपॉन ए माइनस बी एल एन अपॉन बी, इसमें आप सी का मान रख दीजिए, बस ये वाला समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाला पद इस तरफ ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, इसको माइनस में ले लिया, वन अपॉन ए माइनस बी दोनों में कॉमन है इसको बाहर ले लिया, तो अंदर रह जाएगा आपका एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए अपॉन बी के टू टी। अब आप वन अपॉन ए माइनस बी एल एन ए, इसको फॉर्मूला है सीधा आपका एल एन एम माइनस एल एन एन इक्वल टू ये होता है एल एन एम अपॉन एन, पहले भी बताया। तो आप इसमें रख दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ए अपॉन बी आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टू टी। सरलीकरण में आप इसे इस तरह से लिख सके के टू, या तो इसको इसके बराबर, ये भी आपका समाकलन वेग समीकरण कहलाता है, या फिर इस आपको के टू इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी टी एल एन बी अपॉन ए टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, या आप इसको लिख सकते टी बराबर वन अपॉन ए माइनस बी, जैसे आप मान निकालना चाहते हैं उस हिसाब से रख दीजिए। ये सब आपका क्या है, समाकलन वेग समीकरण जब अभिकारक ऐसा मान हो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है। अब हम देखेंगे आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण देखने के लिए आप समझे कि अगर इसको ln को यहाँ अगर आपको log में परिवर्तित करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.303 a माइनस बी के log b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स इस तरह से, ठीक है। आलेखीय निरूपण करने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर हमें वन अपॉन ए माइनस बी वन अपॉन ए माइनस बी एल एन बी माइनस बी ए माइनस एक्स और ए बी माइनस एक्स इक्वल टू के टू डी के अनुसार आलेख खींचना हो, अर्थात वाई अक्ष पे आपको इसे लेना हो और समय आप किस पे लेते हो, एक्स अक्ष पे, अर्थात y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये समीकरण है आपका, जहाँ आपका c का मान क्या है कि जीरो है। तो पूर्व में जैसे पढ़े थे आप उस हिसाब से, क्योंकि c कांस्टेंट है, तो जिस तरह से सिंपल एक समीकरण आपका दोबारा लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, कि हमने पढ़ा था वन अपॉन ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स
ए बी माइनस एक्स के टू टी प्लस के टू टी, यह आपका अवकल समाकलन वेग समीकरण है द्वितीय कोटि। हमें ग्राफ खींचना इसके और समय के मध्य, सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ खींचेगा। सांद्रता की वैल्यू आप इस पद के रूप में लेंगे, ये y मान लेते हैं, m आपका k2 है और c आपका अंतःकरण है। चूँकि c 0 है इस समीकरण में, इसलिए ये मूल बिंदु से गुजरेगी। y अक्ष पे आप सांद्रता के ये पद ले रही है, ठीक है, तथा x अक्ष पे आप टाइम ले रहे हैं, तो सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। और चूँकि यहाँ m k2 है और पॉजिटिव है, तो वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। इस तरह से हम द्वितीय कोटि के अभिकरण का आलेखिक रूपण ज्ञात कर सकते हैं। इकाई आपको पहले बता दी गई है, इकाई हम जनरली लीटर प्रति मोल n माइनस वन सेकेंड इनवर्स से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ लीटर यहाँ अभिक्रिया की कोटि दो है, तो टू माइनस वन सेकेंड इनवर्स अर्थात टू माइनस वन, एक तरह से इसकी अभिक्रिया की कोटि आएगी लीटर प्रति मोल, लीटर प्रति मोल सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण, समाकलन वेग समीकरण तथा आलेखी निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे इसके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के। धन्यवाद।